मेरे चैनल पे एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, लेकिन दो तरह के लोगों से। कुछ ऐसे कपल होते हैं जिनको प्रेगनेंसी चाहिए होती है, वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हमें कब रिलेशन में रहना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हमारी प्रेगनेंसी लगे। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि रिलेशन प्लान कर लेते हैं, उनको ये डर होता है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो हम किस दिन में रिलेशन प्लान करें जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। इन दोनों ही सवालों का सिर्फ एक आंसर है जो कि मैंने आज इस वीडियो में कंपाइल किया है। बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। आप पूरी वीडियो ज़रूर ध्यान से सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको कब रिलेशन प्लान करना चाहिए ताकि आपको बेबी कंसीव हो। और वो कपल जिनको बेबी कंसीव नहीं करना है, जिनको प्लानिंग नहीं करनी है, वो भी इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुने ताकि आप कुछ अपने हिसाब से डेट को आगे पीछे कर सकते हैं कि कब आपको रिलेशन प्लान नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको बेबी कंसीव ना हो। यानी कि ये दोनों ही बातों का क्वेश्चन सिर्फ एक है और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चीज़ कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए महिला के शरीर से एक अंडा रिलीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो मेल के सेल्स हैं उनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं मोबिलिटी की बात करूँ, यानी कि वो काफ़ी गतिमान होने चाहिए और उनकी संख्या जो काउंट है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये दो क्वालिटी अगर आपको मैटर करती है, जो अंडे की क्वालिटी है और साथ ही साथ जो मेल के सेल्स हैं उन दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन एक तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का फर्टिलाइजेशन या मिलन होने के बाद गर्भ में अच्छी तरह से उसका रोपण होना, जिसे हम लोग आरोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो कुछ ऐसे कपल जिनको प्रेगनेंसी चाहिए होती है वो कब प्लानिंग करें, तो वो बातें आप ध्यान से समझिए। पहले तो जो महिला के शरीर में अंडा रिलीज होता है वो टाइमिंग क्या है। जैसे कि हर एक की पत्नियों के अलग अलग समय हो सकते हैं, किसी के 28 दिन, किसी की 30 दिन, 32 दिन, 40 दिन, सबके पीरियड साइकिल डिफरेंट होते हैं। उसके हिसाब से आपको पैटर्न देखना है। आपको 3 से 4 साइकिल को नोटिस करना है कि आपके पीरियड का जो साइकिल है, जो लेंथ है, वो कितना चला। पहले महीने मान लीजिए कि 30 तारीख मतलब 30 दिन का एक टाइम स्पैन था, उसके बाद आपका पीरियड रिपीट कर गया, उसके बाद पिछले बार 32 दिन पे हुआ, किसी समय 28 दिन पे हुआ, तो आपको ऑन एन एवरेज निकालना है। एवरेज से पता चलता है कि 30 दिन की आपकी साइकिल चल रही है। उस हिसाब से जो मध्य का समय होता है, यानी कि जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, 30 का आधा होता है 15, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, ये 4 दिन आपके लिए बहुत फर्टाइल होते हैं। उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनकी शॉर्ट साइकिल है, जिनकी लॉन्ग साइकिल है, तो ऐसे केस में कन्फ्यूज़न पैदा होती है। तो आपको सिंपल ये समझना चाहिए कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उस पहले 10 दिन को आप निकाल दीजिए, उसके बाद का जो 10 दिन का जो बीच का समय है उस टाइम पे अल्टरनेट डे पे आपको रिलेशन में रहना है। अल्टरनेट डे से होता क्या है कि जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहती है, और जब भी अगर मेल के सेल्स मौजूद होंगे और जब भी अगर फीमेल का एग प्रेजेंट होगा तो दोनों के फर्टिलाइजेशन से आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। क्योंकि जो महिला के शरीर में जो अंडा बनता है वो सिर्फ एक दिन तक, यानी कि सिर्फ 24 घंटे तक जीवित रहती है, और जो मेल के सेल्स होते हैं वो 3 से 4 दिन तक भी जीवित रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सेल्स की क्वालिटी क्या है। तो 3 से 4 दिन तक अगर वो जीवित रहेंगे तो जब भी अगर वो रिलेशन में रहते हैं तो नए नए सेल्स आते रहेंगे, और जैसे ही महिला के शरीर से अंडा रिलीज होगा उनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो ये आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने का बहुत ही सटीक दिन है। जो कपल अगर चाहते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो, ये इन बीच के 10 दिनों में अल्टरनेटिव पे ज़रूर ट्राई करें। लेकिन जो कपल ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, रिलेशन प्लान करना चाहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि वो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड इस्तेमाल करें, जो प्रोटेक्शंस होते हैं उसका इस्तेमाल करें। उसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि बहुत सारे आपके बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। टर्मिनेट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सॉरी, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेज को कैलकुलेट करके भी आप अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब भी कभी बार ऐसा होता है कि आपको डेज भी आपने कैलकुलेट किया और कई बार महिलाएं प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, तो ऐसे केस में आपको समझने की ज़रूरत है कि डेट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है
कि आप किसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, लेकिन डेट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो भी बहुत हद तक आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि इन बीच के 10 दिन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि पहले जो 10 दिन और आखिरी के जो 10 दिन होते हैं उनमें प्रेगनेंसी चांसेस कम होते हैं कंसीव होने के। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 100% एकदम श्योर शॉट हो कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल कंसीव नहीं होगी। चांसेस आर स्टिल देयर, चांसेस हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप डेज वाइज अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत हद तक आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। पहला जो 10 दिन और लास्ट का जो 10 दिन होता है, जैसे एक महीने में 30 दिन को आप डिवाइड कर लीजिए, 10 दिन को आप सेपरेट कर लीजिए, तो आपको बीच के 10 दिन में थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है। और पहले 10 दिन और आखिरी के 10 दिन अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है बहुत हद तक, यानी कि 95% तक प्रोटेक्शन है। लेकिन स्टिल मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो प्रॉपर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी गलती से एक नन्हा सा शिशु, जिसकी कोई गलती नहीं होती है, वो इस दुनिया में आ जाता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजेंस का कारण बनता है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, उस बच्चे के लिए भी सही नहीं है। अगर आप इस हालत में नहीं हैं कि आप बच्चे की टेक केयर कर सके, तो आपको स्टार्ट से अपने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि आप प्रेगनेंसी को बिल्कुल अवॉइड कर सके। और जब अगर हस्बैंड और वाइफ मेंटली प्रिपेयर हों, अगर वो दिल से चाहते हैं कि उनके घर में बेबी कंसीव हो, तो ही आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचें। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।